खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। 2019 के चुनाव के नतीजों ने विपक्ष को इतना लाचार कर दिया है कि आपसी कलह में ही एक दूसरे को खत्म करने की चेतावनी दी जा रही है। आज सीधा सवाल यही है कि पहले मोदी से हार, अब आपस में ही गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं। और मारने से मेरा जो मतलब है वो यही है कि एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, अभी दो दिन पहले महागठबंधन टूट गया, यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलग हो गए। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बैठक बुलाई तो सिद्धू, यानी पंजाब में सिद्धू, वहां नहीं पहुंचते हैं और ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि मुझे आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपना राज अलग चलाऊंगा। इधर राजस्थान में आप जानते हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। साथ तेलंगाना को लेकर भी खबर ये आई कि 12 विधायक एक साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, मन बना चुके हैं। मध्य प्रदेश आप देख लीजिए, महाराष्ट्र आप देख लीजिए, जहां भी नजर डालेंगे वहां पर आपसी कलह साफ तौर पर दिख रहा है। ममता बनर्जी के बंगाल में आप जानते हैं टीएमसी के कितने ऐसे नेता हैं, कितने ऐसे विधायक हैं जो पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इसीलिए आज सीधा सवाल पूछना जरूरी है कि मोदी की जीत ने आपको इतना कमजोर कर दिया है कि आप किसी और को मजबूत, अपने खुद को, यानी अपने किसी कार्यकर्ता, अपने किसी नेता तक को मजबूत नहीं देख पा रहे हैं। इस पर बहस हो, उससे पहले ये रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए। चुनाव में मोदी बने महाबली तो विपक्ष के खेमे में खलबल। यूपी के महागठबंधन के बाद अब कांग्रेस में शुरू हुई कलह। पंजाब में कैबिनेट की बैठक से दूर रहे नवजोत सिंह सिद्धू। राजस्थान में भी गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई तेज। अशोक गहलोत ने पायलट से हार की जिम्मेदारी लेने को कहा। तो मैं समझता हूँ कि पायलट साहब कम से कम उस सीट की जिम्मेदारी वो ले कि जोधपुर की सीट जो है उसका पूरा पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्यों नहीं जीते हम लोग। पायलट के करीबी विधायकों ने गहलोत को हटाने की मांग की। उनका प्रभाव नहीं रहा अशोक गहलोत जी के पब्लिक लाइकिंग नहीं है। जाट नाराज, मीणा नाराज, गुजर नाराज, ये वोट देगा कौन? युवा आदमी सीएम बनता है उसका था। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी कांग्रेस की आपसी लड़ाई बढ़ी। जिस तरह से उसने निगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक राजनीति की है, उस नकारात्मक राजनीति का उसी के गढ़ में और उसी के लोगों के बीच से बगावत की आवाज सुनाई पड़ रही। लेकिन कांग्रेस को अब भी नहीं दिख रही पार्टी की लड़ाई। ऐसा लगता है कि मीडिया का एक हिस्सा केवल भाजपा सरकार के स्तुतिगान और किसी प्रकार से कांग्रेस की सरकारों में मतभेद दिखाने को आतुर है। पहले मोदी से हार, अब आपस में मार।